हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज़, दूसरा डोज़, कोई भी डोज़ लगवाया कि नहीं लगवाया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जब भी मौका मिले, अगर अभी तक नहीं लगवाया तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। कोविड के अगेंस्ट यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। लेकिन इस वीडियो का जो पहला पर्पज़ है वो ये है, आप लोगों को बताना मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पर बैठ के किस तरीके से आप लोग अपना जो पासपोर्ट नंबर है उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आसानी से इंटर कर सकते हैं। वो प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई भी एरर है छोटा मोटा, वो भी आप ऑनलाइन अपने एंड पे करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आराम से एक मिनट के अंदर अंदर आप अपना पासपोर्ट नंबर इंटर कर सकते हैं अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट खोलनी है कोविन की, kovin.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा, रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ। आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आएगा आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए। मोबाइल नंबर आपको वही वाला इंटर करना है जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था वैक्सीनेशन के लिए। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप प्रेस करेंगे गेट OTP। कई केसेस में क्या होता है कि OTP तुरंत आ जाती है, लेकिन अगर सर्वर पर लोड ज़्यादा है तो आपको वेट करना पड़ सकता है। और कई कई बार 3-3 मिनट तक वेट करने के बाद भी आपका OTP नहीं आता, तो आपको रीसेंट OTP का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, आपके पास वापस से OTP आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी अपने OTP का वेट कर रहा हूँ। OTP आता है, मैं इंटर करके आगे का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे और OTP जब आ जाता है, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज खुल के आता है जिसमें वैक्सीनेशन की सारी डिटेल्स रहती हैं। नाम रहेगा, रेफरेंस ID रहेगा, आपका फ़ोटो ID कौन सा दिया गया है, ID नंबर क्या है, और कौन कौन सी डोजेज़ आपको लगी, कौन सा वैक्सीन लगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और पासपोर्ट जहाँ ऐड करने की बात आती है, पासपोर्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऊपर टैब है, रेज एन इशू। अभी आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या हम लोग ये प्रोसेस ऐप के थ्रू कर सकते हैं या मोबाइल ब्राउज़र पर कर सकते हैं? मोबाइल ब्राउज़र पर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूँगा डेस्कटॉप ब्राउज़र यूज़ करने के लिए। और हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन पर ये वाला ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तो पासपोर्ट नंबर इंटर करने के लिए आपको करना क्या होगा, रेज एन इशू में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो है ऐड पासपोर्ट डिटेल्स। आप ऐड पासपोर्ट डिटेल्स क्लिक कीजिए। और अगर आपके लिस्ट में मल्टीपल मेंबर्स हैं तो आप किसी मेंबर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही नाम है मेरे फादर का, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, वो मैं अभी इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपने इंटर कर दिया, पर नोट आप स्पेशली पढ़िए, यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू द पासपोर्ट डिटेल्स आफ्टर सबमिटिंग दिस रिक्वेस्ट, बी केयरफुल। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आप एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक नंबर मिला के तभी आप इंटर कीजिए, और नीचे यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक कीजिए और अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ID नंबर इज़ अंडर प्रोसेस, यू विल रिसीव नोटिफिकेशन फॉर योर फाइनल सर्टिफिकेट सून। ये आपका डिस्प्ले आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही आपने सबमिट कर दी, यहाँ पे ट्रैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ट्रैक रिक्वेस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि जो रेफरेंस ID है, नाम है, और क्या इशू है उस पर है अपडेट ID टू पासपोर्ट। उसके बाद स्टेटस लिख के आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ वैक्सीनेशन डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर मेंबर सो एंड सो हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, काइंडली डाउनलोड योर सर्टिफिकेट नाउ। अब आप जब इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा उस सर्टिफिकेट पे पासपोर्ट नंबर भी मैंशन होगा, वो मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, और ये है जो पहले पैन कार्ड था उसकी जगह आ गया है पासपोर्ट, और यहाँ पर लिखा आएगा नंबर, पासपोर्ट नंबर इंटर हो गया। ये था सिंपल सा प्रोसेस। आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आसानी के साथ आप अपना पासपोर्ट नंबर इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट में पासपोर्ट नंबर इंटर करना ज़रूरी है? तो मेरा आंसर होगा, ज़रूरी अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में करके रखेंगे, जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना होगा तो आपके काम ज़रूर आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ ने अभी इंटरनेशनल ट्रैवल अपने यहाँ ओपन किया है, बाहर से लोगों को अराइवल परमिट की है, उन सभी लोगों ने मांगा है कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको सारी जो क्वारंटाइन के प्रोसेस है या RT-PCR का प्रोसेस है, बहुत सारे झमेलों में आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, उसमें पासपोर्ट नंबर इंटर है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है, इसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है, वो भी करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है। सर्टिफिकेट करेक्शन पे क्लिक कीजिए, फिर सेलेक्ट द मेंबर, अगर मल्टीपल मेंबर्स हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसमें करेक्शन इन सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन आ जाते हैं, नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो आई डी नंबर। इसमें से कोई भी चीज़ चेंज करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ नेम और ईयर ऑफ बर्थ या कोई भी दो चीज़ एक बार में आप करेक्ट कर सकते हैं। उसको करेक्ट करने के बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है करेक्शन के साथ डाउनलोड किया जा सकेगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट नंबर आप कैसे अपने वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट में इंटर कर सकते हैं। आप लोगों को ये वाला वीडियो अगर पसंद आया हो थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत हेल्प करता है वीडियो को, चैनल को। ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग अपना पासपोर्ट नंबर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में इंटर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे इन दोनों प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। इसमें एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल टूर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप लोग उसको देख के अपना फ्यूचर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बाय बाय।